नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। जिन भारतवंशियों की उपलब्धि और कामयाबी पर हम इतना खुश होते हैं, उनसे हमारे देश को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। आज दुनिया के 8 से ज़्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के हैं, जिनमें ब्रिटेन के अलावा मॉरिशस, सिंगापुर, सीशेल्स, गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों का नाम शामिल है। इसके अलावा पुर्तगाल के मौजूदा प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ही हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी भारत से बाहर 3 करोड़ से ज़्यादा है, जिनमें 200 से ज़्यादा प्रभावशाली लोग 15 देशों की सरकारों में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर हैं, और इनमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया की 500 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से 58 बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं, और इन कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां अल्फाबेट, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इस तरह की कंपनियां शामिल हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय मूल के लोग ना सिर्फ बड़े बड़े देशों की सरकारों को चला रहे हैं, बल्कि बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे भारत को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इन लोगों से हमारा नाता सिर्फ इतना रहता है कि ये भारत से आते हैं, इनका संबंध भारत से है, लेकिन इसके अलावा इन्हें बनाने में, इन्हें इनके पद तक स्थापित करने में भारत का या हमारा कोई खास योगदान नहीं है। यानी इन लोगों को हम अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हम कर भी नहीं पाए। इस बात को आप एक स्टडी के जरिए समझिए। वर्ष 2018 में ब्रिटेन के एक थिंक टैंक जिसका नाम है हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसने सॉफ्ट पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बात बताया कि दुनिया के 60% से ज़्यादा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजाओं महाराजाओं ने अपनी उच्च शिक्षा या तो अमेरिका में हासिल की या फिर वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए चले गए। इस रिपोर्ट में तब ये लिखा था कि दुनिया के 53 देशों के 58 राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका में, 52 देशों के 57 राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटेन में, फ्रांस में 40, रसिया में 10, ऑस्ट्रेलिया में 9 और भारतीय में सिर्फ 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिक्षा हासिल की है। यानी दुनिया के ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका और ब्रिटेन से पढ़ाई की है। इनमें भूटान के राजा और प्रधानमंत्री के अलावा म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू शामिल है, जो भारत में पढ़ी हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी उच्च शिक्षा या तो ब्रिटेन में हासिल की या फिर अमेरिका में, और जब ये लोग वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर आते हैं, अपने देश की राजनीति में वापस आते हैं, अपने संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, तो ये लोग दिल और दिमाग दोनों से वहीं के हो चुके होते हैं जहाँ इन्होंने पढ़ाई की होती है, और ये देश भी इन लोगों के विचारों और अपनी सोच के हिसाब से ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारतीय मूल के कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब हमारे देश में उनकी जीत का बड़ा जश्न मनाया गया। लोगों ने बहुत पटाखे फोड़े, लेकिन आप आज खुद सोचिए, कमला हैरिस ने भारत के लिए अब तक क्या किया। कड़वा सच है, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं जरूर, लेकिन वो मन से भारतीय नहीं है, और कश्मीर के मुद्दे पर उनके विचार भारत के पक्ष से बिल्कुल अलग रहे हैं। यानी कमला हैरिस को उस पद पर बैठने का भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बावजूद हम ये मानते हैं कि वो भारतीय मूल के हैं। इसी तरह ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं जरूर, लेकिन मन से शायद भारतीय नहीं है, बल्कि वो मन से आज भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और जो ब्रिटेन के लिए सही होगा वो करेंगे, ना कि भारत के लिए। और इसलिए कुछ लोग उनके लिए या वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे जो एशियाई मूल के लोग होते हैं, उन्हें वहाँ कोकोनट या ओब्रियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाया जाता है, जो असल में एक नस्लीय टिप्पणी है। ब्रिटेन के कुछ लोग मानते हैं कि ऋषि सुनक बाहर से ब्राउन जरूर है,
यानी उनका रंग भारतीयों जैसा है लेकिन वो अंदर से अंग्रेजों की तरह हैं, और वो असल में एक ब्रिट है ना कि भारतीय। ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो ब्रिटेन के होते हैं उन्हें ब्रिट कहा जाता है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि वो भारतीय से ज़्यादा ब्रिट है। हालांकि इसके बावजूद ब्रिटेन की कमान ऋषि सुनक को मिलने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश भारत के ही लोग हैं, क्योंकि ब्रिटेन वही देश है जिसने हम पर 200 वर्षों तक राज किया। जिस ब्रिटेन ने एक ज़माने में हमसे लगान वसूला था, उसी ब्रिटेन की लगाम एक भारतीय मूल के नेता के हाथ में आज आ गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दिवाली पर इससे अच्छा तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता, यानी हमारे देश के लोग सिर्फ इस बात से खुश हैं और उत्साहित हैं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और हिंदू हैं। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आज आपको जान लेनी चाहिए। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनका और उनके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि वो पहले अफ्रीकी देश केन्या में रहते थे और बाद में वहाँ से ब्रिटेन आए। असल में ऋषि सुनक के दादा और दादी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में रहते थे। ये आज़ादी से पहले की बात है, जब एक ही भारत हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय मूल का कहा जा रहा है। और ये बात है 1930 के आसपास का। उस समय संयुक्त पंजाब में गुजरावाला नाम का एक गांव था, जहां रामदास सुनक का परिवार रहता था, और रामदास सुनक ऋषि सुनक के दादा थे, और ये गांव आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वर्ष 1935 में रामदास सुनक की केनिया में एक क्लर्क की नौकरी लग गई, और इसके बाद वो गुजरावाला से केनिया चले गए, और उनकी पत्नी जिनका नाम था सुहाग रानी सुनक और उनकी माँ गुजरावाला से दिल्ली आई, और दिल्ली के बाद वो भी केनिया चली गई। इसके 2 साल बाद यानी 1937 में उनकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य भी केनिया शिफ्ट हो गए, और इसके बाद कई वर्षों तक ऋषि सुनक के दादा और दादी केनिया में रहे। उनके दादा के कुल 6 संतान थी, जिनमें से 3 बेटे थे और 3 बेटियां। ऋषि सुनक के पिता यशबीर सुनक भी उन्हीं में से एक थे, जिनका जन्म वर्ष 1949 में केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ था, और वो वर्ष 1966 में पहली बार मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और इसके अलावा ऋषि सुनक के जो नाना और नानी हैं, वो अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में थे, लेकिन बाद में उनके नाना रघुवीर बैरी को तंजानिया में एक रेलवे इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई। उनका परिवार भी आज़ादी से पहले ही भारत छोड़कर तंजानिया शिफ्ट हो गया। बड़ी बात यह है कि बाद में ऋषि सुनक की दादी इंग्लैंड जाना चाहती थीं, और उसके लिए उन्होंने अपने शादी के सारे गहने बेच दिए थे, और फिर वो इंग्लैंड चली गई। इसके बाद में उनकी बेटी जिनका नाम था उषा, उनकी मुलाकात 1972 में ऋषि सुनक के पिता यशबीर सुनक से हुई, और वर्ष 1977 में दोनों का विवाह हुआ। इसके 3 साल बाद 1980 में इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। यानी अगर आप देखेंगे तो ऋषि सुनक का परिवार आज से 85 वर्ष पहले ही भारत छोड़कर जा चुका था, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, और इसके बाद उनके परिवार को खुद दूसरे देशों के हिसाब से ढाल लिया, जहां वो रहते थे यानी केनिया के हिसाब से ढाला, और बाद में इंग्लैंड के ब्रिटेन के हिसाब से ढाला। और ऋषि सुनक क्योंकि ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं, इसलिए वो ब्रिटेन के सच्चे नागरिक हैं। हालांकि ऋषि सुनक का भारत से जो सबसे बड़ा रिश्ता है, वो है उनकी शादी का रिश्ता। उनकी शादी अक्षता मूर्ति से हुई है, जो भारत की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। यानी भारत में ऋषि सुनक का ससुराल भी है, और वो अक्सर अपने परिवार के साथ यहाँ आते रहते हैं। आज इन्फोसिस जो कंपनी है, उसकी टोटल नेटवर्क 6 लाख करोड़ है। इसके अलावा ऋषि सुनक की गिनती भी ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में होती है। आज ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास लगभग 7,000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला के पास 3,314 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के राजा से उनके रॉयल फैमिली से भी ज़्यादा अमीर हैं। ऋषि सुनक उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने ब्रिटेन के सांसद पद की शपथ भगवद गीता के ऊपर हाथ रख कर ली थी।
फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।